हेलो गाइस, मैं आपका अपना दोस्त भरत छगारा स्वागत करता हूं आपका आज की और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी सही होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। सो आज हम बात करेंगे ग्रैंड विटारा पे। अल्फा मॉडल है, स्मार्ट हाइब्रिड है, तो स्मार्ट हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ये दोनों अलग अलग मॉडल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट हमारी हर वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बात करें इसके फ्रंट लुक की तो कुछ ऐसा फ्रंट लुक यहाँ पे आपको इसमें देखने में मिलता है। बात करें इसकी ग्रिल की तो कुछ ऐसी ग्रिल यहाँ पे इसमें आपको मिलती है, पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल इसमें यहाँ पे आपको मिलती है। सेंटर में मिलता है इसका सुजुकी का लोगो, यहाँ पे आपको मिलता है इसका DRL कम इंडिकेटर, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ट्राइबीम में यहाँ पे दिए गए हैं, आपको ट्राइबीम भी कह सकते हैं आप, या पूरा DRLs भी है और इंडिकेटर भी चलता तो पूरा है, बट इसकी जो लुक आउटसाइड से आपको दी गई है वो कुछ ऐसी दी गई है कि दूर से देखने पे ट्राइबीम जैसी लगती है कि इसमें तीनों ये अलग ही दिखते हैं ऊपर। बाकी आपको यहाँ पे DRL से लेके दूसरे DRL तक एंड टू एंड यहाँ पे आपको पूरा सेंटर में आपको पूरा इसमें क्रोम मिलता है, जो कि इसके लुक को काफी हैवी और काफी एनहेंस भी कर रहा है, काफी बढ़िया। बाकी वही इसमें आपको तीन शेड में आपको इसका मिलता है, बम्पर ब्लू ब्लैक एंड यहाँ पे आपका ये आपका सिल्वर शेड में। यहाँ पे इसमें आपको मिलता है इसका प्रोजेक्टर लाइट, हाई बीम एंड लो बीम पे आपकी सेम लाइट यहाँ पे रहने वाली है, अलग अलग आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। बाकी जैसे अल्फा मॉडल है जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आपको 360 कैमरा इसमें ऑफर किया जाता है। तो इसका फ्रंट में कैमरा यहाँ पे इसके सुजुकी के सिंबल के नीचे यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे इसका मिल जाता है आपको इसका टोइंग हुक। बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की तो कुछ ऐसा साइड प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने में मिलता है, यहाँ पे आपको इसमें मिलते हैं प्रीशियस कट अलॉय। बात करें अगर इसके टायर साइज की तो इसमें आपको टायर मिलता है 17 इंच का अलॉय, यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है मारुति के थ्रू। और बाकी टायर साइज इसमें आपको मिलता है 215/60 R17 का। बॉडी कलर में यहाँ पे मिलता है इसका ORVM, आपको ORVM पे यहाँ पे आपको मिलता है इसका टर्न इंडिकेटर। ऑटो फोल्डेबल ORVM यहाँ पे आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं, लाइक अगर आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो फोल्ड हो जाएंगे, बट जब इसे बात कर गाड़ी को हम अनलॉक करते हैं तो उस टाइम पे रीओपन नहीं होते हैं, आपको अंदर बटन दिया गया जैसे आप दबाएंगे तभी आपके ओपन होंगे। बॉडी कलर में यहाँ पे इसमें मिलते हैं इसके आउटसाइड डोर हैंडल, लाइक मारुति की प्रीमियम कार सीरीज है तो उसमें आपको ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड दोनों साइड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहाँ पे ORVM के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका 360 डिग्री कैमरा का सेकंड प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है। बात करें अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से कॉम्पैक्ट SUV के लिए यार काफी सही है, आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो उसमें आपको काफी हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रंट में एंड रियर में दोनों तरफ यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो कि आपके ब्रेकिंग सिस्टम को काफ़ी बेहतर भी कर देते हैं। बात करें अगर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको इसमें मिलती है, जो कि आपको अच्छी खासी रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करती है। बात करें अगर इसके बैक प्रोफाइल की तो कुछ ऐसा बैक प्रोफाइल यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल है ये, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको उसकी बैजिंग मिल जाती है स्मार्ट हाइब्रिड की। यहाँ पे आपको ग्रैंड विटारा की सेंटर में बैजिंग मिल जाती है एंड उसके जस्ट ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश के आउटर एंड पे एंड सेंटर में आपको क्रोम फिनिश मिलती है, पूरा सुजुकी का लोगो। यहाँ पे आपको एंड टू एंड पूरी लाइट इसमें आपको यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे इसका मिलता है आपको टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट एंड रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको मिलता है इसका। यार काफी अलग ही लुक इसका यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे टोटल आपको रिवर्स में 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पे आपको मिलते हैं एंड विद 360 डिग्री कैमरा। तो आपको जैसे पहला आपका आगे बोनेट में था, सेकंड आपका ORVM पे था को ड्राइवर साइड, तीसरा कैमरा आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहीं पे भी बैक साइड में भी आपको सेम थीम यहाँ पे ऑफर करी गई है, ब्लू ब्लैक एंड सिल्वर शेड में। तो बाकी यहाँ पे आपको इसका मिलता है रियर वाइपर, यहाँ पे इसका डिफोगर यहाँ पे आपको मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना इसमें यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है एंड ऊपर यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। तो इसके साथ कुछ इस तरह की यहाँ पे आपको ऑफर करी जाती है। पीछे मिलता है आपको इसका सुजुकी का लोगो, फ्रंट में यहाँ पे मिलता है लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे आपको मिलता है, लाइक वही सेम पुरानी जैसे मारुति में आपको पहले की मिलती थी वही सेम आपको मिलती है। बात करें अगर इसके बूट की तो कुछ ऐसा बूट यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। नीचे यहाँ पे इसका मिलता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, उसके यहाँ पे साइड में आपको लाइट मिल जाती है, कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी कुछ ऐसा बूट यहाँ पे आपको मिलता है, इसमें आपको मिलता है 265 से लेकर 373 लीटर तक का बूट स्पेस यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। यार वैसा अगर देखें तो काफी बड़ा बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिलता है। राइट हैंड साइड यहाँ पे इसमें आपको मिल जाती है बूट लाइट, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट तक का चार्जिंग सॉकेट एक आपको पीछे बूट में भी यहाँ पे दिया गया है, सामान टांगने के लिए हुक यहाँ पे आपको दिया गया है, दोनों तरफ आपको स्पेस दिया गया है, अगर आपको थोड़ा कोई सामान रखना हो हल्का बहुत तो वो स्पेस आपको दोनों तरफ यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड दिया गया है। बाकी अगर बात करें इसके स्पेयर व्हील की तो सेम साइज का स्पेयर व्हील यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है, बट वो यहाँ पे आपको रिम मिलता है। बाकी ये चीज यार मारुति में देखिए कि आप जो भी गाड़ी आप ले रहे हैं बाकी कंपनी में आपको एक साइज छोटा स्पेयर व्हील मिलता है, बट यहाँ पे आपको सेम साइज का स्पेयर व्हील यहाँ पे मिलता है। बाकी कुछ इस तरीके की
टेल लाइट यहाँ पे इसमें आपको मिलती है, इस तरीके का लुक इसके साथ कुछ यहाँ पे आपको मिलता है जब भी ब्रेक मारते हैं, चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो कुछ इस तरीके का लुक आपको ऑल ओवर ग्रैंड विटारा स्मार्ट हाइब्रिड में यहाँ पे मिलता है। तो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड और स्मार्ट हाइब्रिड में ये एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको उसमें मिलता है पावर का बटन, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इसमें आपको यहाँ पे एक दिया गया है। ये एक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक हाइब्रिड का और आपका स्मार्ट हाइब्रिड का, बेसिक डिफरेंस जो बाहर से साफ दिखता है। बाकी कुछ इस तरीके का लुक डोर का यहाँ पे आपको मिलता है, मेहरून शेड यहाँ पे मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश, मैट ब्लैक फिनिश में इसका यहाँ पे मिल जाता है। स्पीकर यहाँ पे मिलता है इसमें आपको, ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है, चार स्पीकर दो ट्विटर यहाँ पे इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे मिलता है इसके विंडो पावर कंट्रोल, डोर लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे मिल जाता है, विंडो को लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे मिलता है आपको, ORVM को ओपन एंड क्लोज करने के लिए बटन मिलता है, उसका एडजस्टर यहाँ पे मिल जाता है, इनसाइड क्रोम डोर हैंडल लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे मिलता है। ये पूरा यहाँ पे आपको लेदर फिनिश यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको क्रोम का वर्क थोड़ा सा मिल जाएगा। सिक्स वे सीट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं, इसमें आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड रिक्लाइन डिक्लाइन आपको ऊपर नीचे करने के लिए उसमें वो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको यहाँ पे इसमें आपको मिलता है आपका लाइट एडजस्टमेंट का बटन, 360 डिग्री कैमरा इसमें आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया था दोनों ORVM पे इसके कैमरे हैं, फ्रंट में इसका सुजुकी के सिंबल के नीचे इसमें आपका कैमरा है, रियर कैमरे, तो उसके साथ यहाँ पे आपको जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू पे क्लिक करते ही आपकी इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले में इसका ऑल ओवर डिस्प्ले लुक पूरा वहाँ पे आ जाता है कि आपकी गाड़ी के साइड में क्या है क्या कुछ नहीं है, वो सब पे क्लिक करते हैं आपको वहां पे दिख जाता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे आपका ये लेदर फिनिश है, बाकी यहाँ पे आपको क्रोम का वर्क मिल जाता है आउटर एंड पे, कुछ इस तरीके का स्टेयरिंग इसके साथ यहाँ पे इसमें आपको मिलने वाला है, सेंटर में रहने वाला सुजुकी का लोगो, आउटर एंड पे उसके पूरा क्रोम का वर्क यहाँ पे आपको मिलता है, बाकी कुछ इस तरीके का हॉर्न यहाँ पे इसके साथ आपको मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आपको मिलते हैं मीडिया कंट्रोल्स, म्यूट का बटन, बाकी मोड्स चेंज करने के लिए कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है। नीचे यहाँ पे मिलते हैं आपको वॉइस कमांड का बटन, फोन उठाने और काटने का बटन नीचे मिल जाता है। बाकी इस साइड यहाँ पे आपको मिलता है आपका क्रूज कंट्रोल या आपका वो मिल जाता है, बाकी ऑटोमेटिक है। तो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में इसमें सेकंड डिफरेंस एक ये भी है आपका कि एक तो पहला था आपका यहाँ पे पावर का इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, सेकंड वहां पे आपको एक मोड मिलता है जिसमें आपका बी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको गियर लीवर में यहाँ पे एम लिखा हुआ है, एक वो एक डिफरेंस यहाँ पे है। बाकी इसके पीछे यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर मिल जाते हैं, जैसे आप गाड़ी को मैनुअल में लाएंगे तो यहाँ से आप पेडल शिफ्टर के थ्रू गियर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। बाकी राइट हैंड साइड यहाँ पे आपको मिलता है इंडिकेटर एंड लाइट कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे मिलता है वाइपर कंट्रोल्स, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। कुछ इस तरीके का MID यहाँ पे इसमें आपको मिलता है, डोर बंद करने पे आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके की MID यहाँ पे इसमें आपको मिलती है। यहाँ पे आपका स्मार्ट हाइब्रिड है तो ये उसका इंडिकेटर यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आपका RPM मीटर है, जैसे अब देखो मैंने गाड़ी ऑन करी तो ऑन करते इस तरीके की एनिमेशन इसमें यहाँ पे आपको दिखती है, क्योंकि आपका 360 कैमरा इसमें इंस्टॉल्ड है तो आपके आसपास क्या कुछ खड़ा है। अब मेरे साइड में यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वो एक साइड में यहाँ पे आपको दिख जाती है साइड में पहले ही, तो जैसे आप गाड़ी को ऑन भी करेंगे या स्टार्ट अप करेंगे, स्टार्ट करते हैं आपका 360 कैमरा एक बार पूरा काम करता है, जो कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों का ध्यान होता नहीं है कि आगे या पीछे कुछ साइड में कुछ है या नहीं है, तो वो यहाँ पे आपको साफ दिख जाता है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मिलता है इसमें आपको RPM मीटर, और नीचे यहाँ पे मिल जाता है इसको हीटिंग गेज, राइट हैंड साइड मिलता है आपको इसका स्पीडोमीटर, उसमें नीचे मिल जाता है आपको फ्यूल गेज, बाकी आपकी ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे आपको जिस भी ड्राइव मोड में आपकी गाड़ी होगी, जैसे अभी गाड़ी हमारी पार्किंग में, अगर उसको मैं रिवर्स में करूँ तो यहाँ पे R आ जाएगा न्यूट्रल, आपका नॉर्मल ड्राइव मोड, और मैनुअल में आते फर्स्ट आपका गियर है, तो इसमें आपको दिख, अगर इसमें आपको दिख भी जाएगा कितने गियर तक आपका है, तो अगर पेडल शिफ्टर से जैसे ये चलेगी तो इसमें आपको ऑप्शन आ जाता है उसको अप एंड डाउन करने का। बाकी इसका रिवर्स कैमरा आपको डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ यहाँ पे मिलता है, जैसे अगर मैं स्टीयरिंग को काटूंगा तो वो यहाँ पे आपको दिखता है, 360 कैमरा यहाँ पे आपका पूरा काम कर रहा है, इस साइड में 360 कैमरा पूरा काम कर रहा है, इस साइड मिलता है आपको इसका डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ वो यहाँ पे आपको दिख जाता है, अलर्ट्स यहाँ पे आपको नीचे दिख रहे हैं पूरे। बाकी इसमें नीचे आपको चार बटन अलग मिलते हैं, तो जैसे इसमें अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँ तो ये आपका ORVM के नीचे का आपका टायर के साइड का आपको वो दिख रहा है यहाँ पे। बाकी इसमें दो स्क्रीन में स्प्लिट हो गई है, यहाँ पे आपको मिलता है इसका बैक कैमरे का पूरा व्यू, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसमें ऑल ओवर आपका बैक कैमरे का व्यू यहाँ पे आपका आ रहा है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो इस साइड आपका ये ऑल ओवर पूरा 360 कैमरा भी काम कर रहा है, आप इस वाली विंडो भी आप कह सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका इस विंडो में आपको दिख रहा है आपका सिर्फ बैक कैमरा। फोर्थ ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके पार्किंग सेंसर्स का ये बटन है यहाँ पे कि ऑन एंड ऑफ करने के लिए, वो एक बटन यहाँ पे आपको वो मिल रहा है, पार्किंग में कर देते हैं। बाकी यहाँ पे अभी आपको MID में दिख रही है अभी आपको इसकी करंट एवरेज क्या कुछ चल रही है, रेंज अभी इसकी 383 किलोमीटर की अभी इसमें रेंज अभी है। बाकी फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे आपको दिख रही है कि कितने की एवरेज अभी आपको दे रही है, 12 की एवरेज सिटी में अभी। ऊपर यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है, नीचे यहाँ पे आपको दिखता है कि आपकी गाड़ी टोटल अभी किलोमीटर कितने चल चुकी है। यहाँ पे आपको दोनों लीवर इसके मिल जाते हैं, लीवर के थ्रू जैसे आपको MID में चेंजेस करने हो तो वो लीवर के थ्रू यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसमें ये सब कुछ आपको मिलता है, टोटल आइडियल स्टॉप टाइम कितना है आपके, यहाँ पे ये एनालॉग क्लॉक यहाँ पे इसमें आपको मिल जाती है, उसमें नीचे वो मिल जाता है। मोशन फ्रंट ये यहाँ पे आपको एक इसमें मिलता है,
कि जैसे आपकी गाड़ी आगे चलती है तो जैसे आप इसे चलाएंगे तो इसमें आपके फ्रंट के मोशन की वो एक वहां पे हो रही होती है। उसके बाद अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आपके टॉर्क एंड पावर, जैसे मैं इसे रेस दूंगा तो आपके टॉर्क एंड पावर वो यहाँ पे आपका दिखेगी। ये कॉन्सेप्ट मारुति का बलिनो के टाइम से आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहला बलिनो में आया था, उसके बाद ये लगभग इनकी हर गाड़ी में आ रहा है। जितने भी इनकी स्मार्ट हाइब्रिड है उसमें टॉप एंड मॉडल में आपको ये फीचर मिलता है। बाकी यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन और ब्रेक किस पे भी आपका पैर है, कितनी मूवमेंट आपकी पैरों पे हो रही है, ये उसको सेंस करके यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद ये आपके इंजन, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नहीं है तो इसमें फीचर बाकी आपको डिस्प्ले हो रहा है, बाकी काम करता नहीं है इसमें, ये आपका इलेक्ट्रिक हाइब्रिड के लिए है। इसके बाद आपका ये पूरा ऑल ओवर ब्लैंक हो जाता है, इसको दोबारा अगर प्रेस करूंगा तो वो आ जाएगा। बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले लीवर की, तो ये आपके ट्रिप को सेट रीसेट करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसके लिए लीवर यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी यहाँ पे स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं, आप इसको सेट भी आप आराम से अपने हिसाब से कर सकते हैं एट दैट टाइम ऑफ ड्राइविंग। पे अगर बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, तो कुछ ऐसा ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको मिलता है, काफी बड़ा ग्लव बॉक्स है। बाकी यार फील कुछ भी कहो, फील बड़ी प्यारी है इसकी, लाइक जो भी गाड़ी का पूरा फिनिशिंग दी गई है ना, काफी प्यारी है। बाकी यहाँ पे आपको मिलती है इसका वैनिटी मिरर, दोनों तरफ वैनिटी मिरर मिलते हैं, उसमें से यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइट्स भी साथ में मिल जाती है दोनों साइड। बाकी ऑटो डिमर IRVM यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है इसका वन टच कंट्रोल सनरूफ। बट यार एक चीज जो मेरे को पसंद नहीं आई इसकी, तो इसमें आपको जो आपका पूरा ऑन हो रहा है ये आपका वन टच कंट्रोल तो है, बट यहाँ पे आपको ये पूरा कपड़ा दिया गया है जिसके कारण आपका यहाँ पे हीट को ये उतना रोक नहीं पाता, तो जैसे ये मेरे को कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग लगती है मारुति की। बाकी ये आपका वन टच ओपन है, बट जैसे आप इसे बंद करेंगे तो आपको पूरा होल्ड करके रखना पड़ेगा। पैडी को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको डिस्प्ले इस पे दिख जाती है। बाकी यहाँ पे मिलता है इसका आपको सनग्लासेस होल्डर, ब्लूटूथ माइक की पोजिशनिंग यहाँ पे आपको इसमें दी गई है साथ ही। बाकी यहाँ पे एक फीचर है ऑटो का, क्योंकि आपका टॉप एंड वेरिएंट है तो इसमें ऑटो के लिए जो सेंसर वो आपका यहाँ पे है शीशे के नीचे यहाँ पे पास में। बाकी 360 कैमरा जैसे आप यूज करते हैं तो उसमें यहाँ पे आपको व्यू का बटन यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो ये आपका 360 एक बार पूरा आपको दिखाता है कि आपके सराउंडिंग्स में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। बाकी सेंटर में यहाँ पे मिलता है आपको हजार्ड लाइट का बटन। बाकी इस साइड दोनों साइड यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके AC वेंट्स, उसमें आपको क्रोम फिनिश दोनों में मिलता है। बाकी जो आपके आउटर एंड पे है उसमें आपको क्रोम फिनिश नहीं मिलता है, बट सेंटर में यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे इसको मिलता है आपको ऑटो क्लाइमेट AC यहाँ पे इसमें आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे यार बटन की जगह आपको ये आप इसे प्रेस मतलब ऊपर नीचे करके आप इसे स्विच आप एक तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे भी नीचे आपको बटन यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आपको मिलता है इसका ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ करने के लिए, स्मार्ट हाइब्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है। 12 वोल्ट तक का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिलता है, USB पोर्ट मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग इसमें आपको नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपकी रहने वाली है, यहाँ पे आपको मिलता है दो ग्लास होल्डर यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका मिलता है आपको आर्मरेस्ट, मूवेबल आर्मरेस्ट है। तो पीछे से कुछ ऐसा आता है आपका लुक गाड़ी का। यहाँ पे मिलता है आपको स्पीकर, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे आपको मिल जाती है, लेदर फिनिश इस पे यहाँ पे आपको मिल जाती है, 1 लीटर तक का बोतल स्पेस, कपड़ा रखने के लिए स्पेस यहाँ पे आप बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट तो नहीं रख पाएंगे बट हाँ कपड़ा आप गाड़ी सफाई करने के लिए जो भी कपड़ा वपड़ा आप गाड़ी में रखते हैं वो रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ मिलता है आपको इसका विंडो पावर कंट्रोल एंड इनसाइड क्रोम डोर हैंडल, लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी पीछे से कुछ ऐसा मिलता है आपको डैशबोर्ड का लुक, पीछे यहाँ पे आपको इसमें AC वेंट्स मिल जाते हैं, ब्लोअर कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको दो USB पोर्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये USB पोर्ट कुछ ऐसे हैं कि जो अब करंट जो चल रहा है तो उसमें एक टाइप सी का पोर्ट यहाँ पे मिला है और एक जो नॉर्मल अब चल रहा है अपना जो टाइप सी का एंड पॉइंट होता है वो एक पिन जो यहाँ पे आपको मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है आपका वॉलेट या अपना फोन रखने के लिए स्पेस। दोनों सीट्स में यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिलने वाले हैं, तीन यहाँ पे आपको मिलते हैं ग्रैब हैंडल तीनों सीट्स में। कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पे आपको इसका आर्मरेस्ट, दो ग्लास होल्डर यहाँ पे रियर आर्मरेस्ट में यहाँ पे इसमें आपको मिल जाते हैं। बाकी यार एक चीज काफी अलग है मारुति की जो अब मेरे को दिखती है कि यहाँ पे सीट बेल्ट का ऑप्शन आपको पीछे यहाँ पे दे दिया गया है कि पहले आप देखते थे तो आपके यहाँ पे होती थी, तो उसको हटा के कि अब एज पर द गवर्नमेंट रूल आपकी पीछे वाले बंदे के लिए भी सीट बेल्ट मैंडेटरी है, तो आपको यहाँ पे सीट बेल्ट का ऑप्शन पीछे यहाँ पे दे दिया गया है बीच वाले बंदे के लिए। काफी बढ़िया काम करा यार। बाकी आपको मैनुअली हेडरेस्ट आपको पांचों यहाँ पे मिलने वाले हैं, पांचों हेडरेस्ट यहाँ पे आपके मैनुअली है। यहाँ पे रीडिंग लाइट की पोजीशनिंग यार ये बड़ी देखो, ये आपको मैंने एंडेवर में भी हमने ये चीज देखी थी, रीडिंग लाइट की पोजीशनिंग आपको यहाँ पे दी गई है फ्रंट में वहां पे आपको दी गई थी। बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, अगर बात करें वैसे अगर इसमें आपको 1500cc का इंजन मिलता है, अगर मैनुअल ट्रांसमिशन में जाए तो इसमें आपको मिलता है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, और अगर ऑटोमेटिक में जाए तो इसमें आपको मिलता है 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन।
बाकी अगर बात करें इसकी पावर की तो इसमें पावर आपको मिलती है 103 पीएस की 6000 आरपीएम पे और टॉर्क इसमें आपको मिलती है 137 एनएम की 4400 आरपीएम पे। की बात करें अगर इसकी माइलेज की तो कंपनीज की क्लेम करती है ऑन हाईवे 21.5-21 की माइलेज ऑन हाईवे, बट अगर इन सिटी की अगर हम बात करें तो आपकी 15-17 तक की 17.5-17 तक की एवरेज आपकी इन सिटी आपको निकालती है पर लीटर, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी माइलेज है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ऐसे प्यार बनाए रखें, आपके लिए और नई नई वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।